सो गाइस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बजाज पल्सर NS 400 के एग्जॉस्ट नोट से। इसमें आपको एग्जॉस्ट नोट कैसी मिलती है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए मैं बाइक को स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप सुन पा रहे हैं इसका एग्जॉस्ट नोट। इंजन साउंड तो कुछ इस तरीके का आपके यहाँ पे एग्जॉस्ट नोट मिल जाती है बजाज पल्सर NS 400G में। काफ़ी बेसी साउंड आपके यहाँ पे मिलती है। तो दोस्तों कैसे आप सब, फाइनली आज हमारे पास आ चुकी है 2024 की न्यू लॉन्च बाई बजाज की पल्सर NS 400G है, प्योटर ग्रे कलर में है। तो गाइस इस बाइक में आपको क्या फीचर्स बजाज ऑफर करती है, इंजन पावर आपको कैसी मिलती है, सस्पेंशन कैसा दिया हुआ है और इसमें आपको ब्रेकिंग कैसी मिलती है, प्राइसिंग आपको क्या रहने वाली है, इस सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप इस बाइक को बाय करने वाले हैं या लेने की प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो साथ लास्ट बनेगा, वीडियो के लास्ट तक इस बाइक की सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं। सो गाइस अगर आप चैनल पर ही पा रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जो करिएगा और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा जिससे आप आने वाली वीडियो को मिस न कर सकें। तो चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में, इसमें आपको क्या फीचर्स मिलती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें आपको जो फीचर्स मिलती है राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी दिया गया है और डुअल चैनल एयरबैग साथ यह बाइक आती है, क्विक शिफ्टर इसमें दिया गया है, एडजस्टेबल ब्रेक लीवर आपके यहाँ पर जाती है, क्लच लीवर भी एडजस्टेबल मिलती है, असिस्टेंस स्लीपर क्लच दिया गया है। तो ये सारे फीचर्स आपको मिल जाती है इस बाइक में। और प्राइसिंग अगर बात करें तो इस बाइक का जो ऑन रोड प्राइस पड़ेगा आपको वाराणसी में लगभग आपको 235,000 से 234,000 के बीच में यह बाइक कंप्लीट आपको मिल जाएगी। भाई 235,000 में आपको 400cc की आपके यहाँ पे बाइक मिली है जिसमें आपको बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाती है, अच्छा लुक दिया गया है और अच्छे फीचर्स साथ बजाज ने इस बाइक को लॉन्च किया है। तो गाइस यहाँ पे आप चेकआउट कर लीजिए, इस बाइक का जो प्रॉपर यहाँ पर राइट साइड प्रोफाइल है कुछ ऐसा निकल जाती है तो बाइक काफ़ी मस्कुलर लुक के साथ आ रही है। तो यहाँ पे आप देखें तो इसके फ्यूल टैंक पे आपको NS की आपके यहाँ पे ब्रांडिंग मिलती है व्हाइट में दिया गया है और ग्रीन करके आपके यहाँ पे ग्राफिक्स मिलती है। जैसा कि यह बाइक प्योटर ग्रे कलर में है तो इस तरह से आपके यहाँ पे फ्यूल टैंक लगी मिलती है, काफ़ी मस्कुलर भाई आपके यहाँ पे फ्यूल टैंक लगी मिलती है। हालांकि ये फाइबर आपको मिलती है, यहाँ पे कार्बन फाइबर का यूज़ किया गया है, यहाँ पे आपको ग्रे फेंसिंग मिलती है और जो चियासी मिलती है कुछ इस तरीके का आपके यहाँ पे चियासी मिलती है, काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और भाई यहाँ पे आप देखें तो आपको जो इंजन बजाज इसमें ऑफर करती है, जैसा कि डोमिनार में आपको जो इंजन मिली है सेम वही इंजन इस बाइक में भी कंटिन्यू किया है, तो काफ़ी बढ़िया पावर आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे इंजन गार्ड जो मिलती है कुछ इस तरीके दिया गया, फाइव बटन दिया गया है और भाई यहाँ पे आप देखें तो फुटबैग्स जो आपको मिली है वो भी काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का आपको मिलती है, ब्रेक पैडल्स और रियर में देखें पिलन फुटबैग्स मेटलिक आपको मिल जाती है, इस तरह से आपके यहाँ पर मिली है। और रियर साइड में आप नोटिस करेंगे तो आपके यहाँ पे NS 400G की आपको ब्रांडिंग मिलती है। और गाइस यहाँ पे आप चेकआउट कर लीजिए, इस बाइक का जो प्रॉपर यहाँ पर लेफ्ट प्रोफाइल है कुछ ऐसा निकल करती है। जैसा कि मैंने बता दिया कि यह बाइक काफ़ी मस्कुलर है, काफ़ी कम प्राइसिंग के साथ यह बाइक बजाज ने लॉन्च किया है। इस साइड में भी आपको यहाँ पर NS की आपको ब्रांडिंग मिलती है, इससे ग्राफिक्स दिया गया है और फ्यूल टैंक पर आपको 3D पल्सर की आपके यहाँ पर ब्रांडिंग मिलती है। अब आते हैं इसके फ्रंट की ओर, तो भाई यहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी यूनिक पैटर्न में आपको यहाँ पर LED डायल्स मिल जाती है, दो मिलता है इसमें इलेक्ट्रिक शेप में दिया गया है जो इस बाइक के लुक को काफ़ी बढ़ाता है, काफ़ी स्पोर्टी लुक में आपके यहाँ पर फील होने वाला है। यहाँ पर आपको ग्राफिक्स मिल जाती है और NS 400 की आपके यहाँ पर बैजिंग मिली है, काफ़ी बढ़िया लगी देखने में। और यहाँ पर तो LED प्रोजेक्टर हेड का सेटअप आपको मिल जाती है। ओवरऑल आप देखें तो इस बाइक की जो फ्रंट प्रोफाइल है कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाती है, LED डायल्स मिलती है, LED प्रोजेक्टर हेड का सेटअप दिया गया है। और आपके पास यहाँ पर अगर सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में आपको जो सस्पेंशन मिली है USD फोर्क सस्पेंशन इसमें दिया गया है जो आपको मिलता है, 43mm डायमीटर का आपके यहाँ पर सस्पेंशन मिल जाती है, जो काफ़ी बढ़िया सस्पेंशन इस बाइक में ऑफर की जाती है। इस बाइक में यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। रियर की बात करें तो रियर में आपको जो सस्पेंशन इस बाइक में मिलती है मोनोशॉक अवेलेबल दिया गया है, उसकी बात आगे करेंगे। और यहाँ पर आपको जो फेंडर मिल रही है भाई, यहाँ पर आपको फाइबर की आपके यहाँ पे फेंडर मिलती है, ABS की आपको ब्रांड मिल रही है, जैसा कि यह बाइक डुअल चैनल ABS के साथ आती है। और अब बात करते हैं इस बाइक के ब्रेकिंग के बारे में, तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि यह बाइक जो अवेलेबल है डुअल चैनल ABS के साथ अवेलेबल है। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके फ्रंट ब्रेकिंग के बारे में, तो भाई यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो फ्रंट में डिस्क ब्रेक लगी मिलती है 320mm का, यहाँ पे बड़ी सी आपके यहाँ पे डिस्क ब्रेक ऑफर किया गया है जो काफ़ी बड़ी आपको इस सेगमेंट में डिस्क ब्रेक आपको मिल जाती है और ग्रीमिका का ब्रेक कैलिपर दिया हुआ है। तो आपको जो ब्रेकिंग क्वालिटी मिलती है ना वो काफ़ी बढ़िया इस बाइक में मिल जाती है, आपको कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली है। इस तरह से अलॉय व्हील का पैटर्न दिया हुआ है। और व्हील साइज़ की बात करें तो फ्रंट में आपको जो व्हील साइज़ मिल रही है इस बाइक में 17 inches का व्हील साइज़ दिया गया है और टायर जो आपको मिलता है इसमें MRF का टायर दिया गया है 110/70 17 सेक्शन के आपको यहाँ पर
ट्यूबलेस टायर लग मिलती है। तो ओवरऑल इस तरह से आपको यहाँ पर इस बाइक की जो फ्रंट प्रोफाइल है निकल के आती है। अब आते हैं इसके फ्यूल टैंक की तरफ। तो गाइस यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो इसमें आपको जो फ्यूल टैंक लगी मिलती है 12 लीटर का आपको यहाँ पे फ्यूल टैंक लगी मिलती है। पल्सर की आपको ब्रांडिंग मिली है दोनों साइड में इस तरह से दिया गया है और E20 की ब्रांडिंग मिली है। और हैंडलिंग की बात करें तो इस तरह से आपको प्रॉपर यहाँ पर हैंडलिंग मिली है इस बाइक में। और मिरर भाई आपको काफ़ी प्रीमियम आपको मिलने वाला है, डोमिनार वाले काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का इसमें इंस्टॉल किया गया है। यहाँ पे आपको जो कंट्रोल्स मिलती है हाई बी लो बीम पासिंग लाइट का स्विच दिया गया है, यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिल जाती है और टर्न सिग्नल हॉर्न का स्विच आपको मिल जाती है। और राइट साइड में हजार लाइट फंक्शन, इंजन के स्विच, डीएल के कंट्रोल्स, ये सारी फंक्शन आपको यहाँ पर मिल जाती है। बात करते हैं इसके मीटर कंसोल के बारे में। तो बजाज पल्सर NS400G में आपको जो मीटर कंसोल मिलती है दो डिस्प्ले आपको मिलती है, एक यहाँ पर आपको डिजिटल डिस्प्ले आपको मिलती है यहाँ पे और यहाँ पे LCD डिस्प्ले दिया गया है। तो जो डिजिटल डिस्प्ले आपको मिलती है इस पर आपको डिजिटल टैकोमीटर, किलोमीटर, फ्यूल इंडिकेशन, गियर शिफ्ट इंडिकेशन, ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। डिजिटल क्लॉक भी दिया गया है यहाँ पे, आपको जिस मोड में गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर इंडिकेशन मिल जाएगी। यहाँ पर ओडोमीटर आपको मिल जाती है। और यहाँ पर देखेंगे तो आपको जो LCD डिस्प्ले आपको मिलती है यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो यहाँ से आप व्हीकल इन्फो आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं, कनेक्टिविटी का फीचर दिया गया, ट्रिप एंड बाइक लैप टाइमर सेटिंग अपने अकॉर्डिंग कोई सेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे व्हीकल इन्फो में, तो यहाँ पे आपको मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल का फीचर्स है और वार्निंग का फीचर्स आपको मिल जाती है यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे मोड वाले ऑप्शन में, तो आपको यहाँ पर रोड मोड मिल जाता है, स्पोर्ट मोड, रेन मोड और ऑफ रोड, यहाँ पर चार मोड आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो इस तरह से आपको चार मोड्स इसमें ऑफर किया गया है और ट्रैक्शन कंट्रोल फीचर्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। तो जैसे आप यहाँ पर चेंज हो गया और वार्निंग में करना चाहेंगे तो आपने रिफ्यूल की वार्निंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो बहुत सारे फीचर्स यहाँ पर बजाज ऑफर करती है। और बैक आए तो यहाँ पर आप देखेंगे कनेक्टिविटी में, तो आपको यहाँ पर ब्लूटूथ कनेक्टिव फीचर्स मिल जाती है, म्यूजिक के कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिल जाती है। ब्लूटूथ में आएंगे तो आपके यहाँ पर ब्लूटूथ को कनेक्ट कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन से। और म्यूजिक में क्या है तो म्यूजिक में आपको कनेक्ट टू डिवाइस आ रहा है इसमें, बैक करते हैं भाई इसको यहाँ से। और ट्रिप एंड बाइक में चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे आपको ट्रिप ए, ट्रिप बी, बाइक इन्फो आपके यहाँ पर मिल जाती है। और लैप टाइमर में सेट करते हैं तो यहाँ पे स्टार्ट टाइमर और रीसेट लैप टाइमर आपके यहाँ पर मिल जाती है। तो बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं यहाँ पर। और सेटिंग में आएंगे तो आपके यहाँ पर फेवराइट, क्विक सेलेक्ट, डेट एंड क्लॉक, ब्राइटनेस आप यहाँ पर एडजस्ट करते हैं हाई, मीडियम, लो। तो इस तरह से आपके यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो डिस्प्ले है इसका आपको ब्राइटनेस यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया फीचर्स आपके यहाँ पे मिल जाते हैं बजाज पल्सर NS400G में। और फ्रंट में आपको यहाँ पे USB चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है जिससे आप मोबाइल फ़ोन को चार्ज भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके सीटिंग कंफर्ट के बारे में। तो गाइस इसमें आपको जो सीट मिली है स्प्लिट टाइप का इसमें सीट दिया गया है, यहाँ पर आप देखेंगे तो 807 mm का आपके यहाँ पर सीट हाइट मिल जाती है। काफ़ी कम्फर्टेबल इसमें सीट आपको मिली है बजाज पल्सर NS400G में। तो जो राइडर सीट है थोड़ा सा इस तरह से आपको काफ़ी कंफर्टेबल मिलती है। यहाँ पे आपको टैंक पैड्स भी दिया हुआ है। और रियर साइड में आप देखें जो पिलियन सीट है कुछ इस तरह की आपको मिलती है। कंफर्ट को लेकर आपको कोई इशू नहीं होने वाली इस बाइक में, काफ़ी कंफर्टेबल आपको यहाँ पर सीट मिल जाती है इस बाइक में। और रियर साइड में जैसा कि मिलता है कि आपको यहाँ पर NS400G की आपको ब्रांडिंग मिलती है। और रियर से लुक की बात करें तो इससे इसके रियर लुक निकल के आती है। LED टेलाइट दिया गया है, स्प्लिट टाइप का आपके यहाँ ग्रैब हैंडल मिल जाती है, LED टर्न सिग्नल आपको मिलती है और यहाँ पर नंबर प्लेट लगाने जगह रियर में टायर अगर आपको मिलती है काफ़ी वाइड दिया गया है। और अब बात करते हैं इस बाइक के रियर सस्पेंशन और ब्रेकिंग के बारे में। तो गाइस रियर में आपको जो सस्पेंशन इस बाइक में मिली है मोनोशॉक 11 इसमें दिया गया है, जो काफ़ी बढ़िया सस्पेंशन आपको रियर में भी मिल जाती है। और भाई यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो टायर मिली है रियर में काफ़ी वाइड टायर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, जो कि आपको मिलती है 140/70 R17 इंचेस का आपको यहाँ पर ट्यूबलेस टायर मिलती है। तो काफ़ी वाइड टायर आपको भाई यहाँ पर रियर मिल जाती है जिससे आपको जो ग्रिपिंग मिलेगी काफ़ी बढ़िया मिल जाएगी और रूट प्रेजेंस भी आपको काफ़ी बढ़िया मिलेगा। रियर व्हील आप देखें तो इस तरह से आपको मिल जाती है। और रियर ब्रेकिंग की बात करें तो रियर में आपको जो डिस्क ब्रेक लगी मिलती है 230 mm का आपके यहाँ पर डिस्क ब्रेक मिल जाती है, ABS का चैन दिया हुआ है और इस तरह से ब्रेक कैलिपर मिल जाती है। तो ओवरऑल इस तरह से आपको इसकी रियर सस्पेंशन और ब्रेकिंग मिल जाती है। काफ़ी वाइड टायर आपको इस सेगमेंट देखने को मिल जाती है, इस तरह से आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी वाइड टायर आपको यहाँ पर मिल जाती है NS400G में। और अब आते हैं इसके इंजन की तरफ। तो गाइस यहाँ पे आप चेकआउट करेंगे तो इसमें आपको जो इंजन मिली है बजाज पल्सर NS400G में 400cc का आपको यहाँ पे इंजन मिल जाती है। अब बात करते हैं इस बाइक के इंजन स्पेक के बारे में। तो गाइस इसमें आपको जो इंजन लगी मिलती है बजाज पल्सर NS400 में 373cc का सिंगल सिलेंडर BS6 फेज 2 EFI लिक्विड कूल्ड आपको यहाँ पर इंजन मिल जाती है, जो मैक्स पावर जनरेट करती है 39.4 BHP की पावर जनरेट करती है एट 8,800 RPM पर आपको मैक्सिमम पावर मिल जाती है। मैक्स टॉर्क की अगर बात करें तो इसमें आपको जो मैक्स टॉर्क मिलेगी 35 Nm की आपको टॉर्क मिलेगी एट 6,500 RPM पर आपको मैक्सिमम
टॉर्क मिल जाती है और जो इसमें गियरबॉक्स दिया गया है 6 स्पीड गियरबॉक्स आपको मिलती है। साइड इससे इनकेट आपको फीचर्स मिल जाती है और यहाँ पे आपको इससे फिनिशिंग मिलती है। फ्यूल इंजेक्शन की आपको यहाँ पे ब्रांडिंग मिल जाती है और एसएसएस काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के यहाँ पर इंस्टॉल किया गया और साड़ी गार्ड कुछ इस तरीके आपको मिल जाती है। तो बहरहाल आपको जो यह बाइक मिलती है बजाज पल्सर NS400G काफ़ी मस्कुलर लुक के साथ यह बाइक आती है। सो गाइस अब बात करते हैं इसके डायमेंशन के बारे में। तो इस बाइक का जो कर्बेट आपको मिलता है 174 kg का इसका कर्बेट दिया गया है। सीट हाइट आपको जो मिलती है 807 mm का इसमें सीट हाइट दिया गया है। ग्राउंड केस जो आपको मिलती है इस बाइक में 168 mm का आपको यहाँ पे ग्राउंड केस मिलती है। और व्हील बेस की बात करें तो इसमें आपको जो व्हील बेस मिलती है 1344 mm का इसमें आपको व्हील बेस मिल जाती है बजाज पल्सर NS400G में। सो गाइस अब बात करते हैं इसके माइलेज के बारे में। तो बजाज पल्सर NS400G में आपको जो माइलेज मिलेगी लगभग आपको 25 से 30 km की आपको इसमें माइलेज मिलेगी। जैसा कि इसमें आपको 400cc का काफ़ी पावरफुल आप इसमें इंजन मिलती है तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे माइलेज मिल रही है। और एक बार फिर से बात करते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इस बाइक का जो ऑनरोड प्राइस पड़ेगा आपको वाराणसी में लगभग आपको 235,000 से 234,000 के बीच में यह बाइक कंप्लीट आपको मिल जाएगी। और भी प्राइस रिलेटेड जानकारी के लिए आप बजाज शोरूम में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो शोरूम का सारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इस बाइक का एग्जैक्ट प्राइस ले सकते हैं। सो गाइस ये रहा बजाज पल्सर NS400G 2024 मॉडल का डिटेल व्यू, जिसमें हमने आपको बताया कि इस बाइक में आपको क्या फीचर्स ऑफर होते हैं, कितनी प्राइसिंग रहने वाली है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दे दी है। सो गाइस कैसा लगा वीडियो, कैसी लगी है बाइक कमेंट बॉक्स जरूर बताएगा। सो गाइस आज के इस वीडियो में सतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी नई बाइक से किसी नए रिव्यू में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बिल्कुल ऑन कर लें जिससे आप आने वाली वीडियो को मिस कर सकें।